कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या करेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब एक लाइन में जुड़े होने चाहिए, सब सबसे फ्लो करने वाला जो करंट है वो बराबर होगा, है ना, करंट बराबर होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं ई है, इसका रेजिस्टेंस है आर वन, इसका रेजिस्टेंस है आर वन, और इसका रेजिस्टेंस है आर टू, और इसका रेजिस्टेंस है आर थ्री। ठीक, तो इसमें करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह से, सबसे बराबर करंट जाना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि कोई भी दो करंट एलिमेंट जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, बैटरी, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में करंट जो है वो दोनों में, तीनों में बराबर जाता है। तो कहेंगे करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टर आर इक्वल बट पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट इस केस में हो सकता है कि अगर रेजिस्टर डिफरेंट हुए तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आर वन, यहां का आई आर टू, यहां का आई आर थ्री। अगर आर वन, आर टू, आर थ्री अगर डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बाई चांस बराबर हो गए तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हो सकता है, यहां भी आई आर, यहां भी आई आर, यहां भी आई आर। ठीक, तो इसीलिए कहा कि करंट जो है वो तो इक्वल होगा ही, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट नहीं भी हो सकता है। अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। तो मैं इसमें किरचॉफ सा लगाता हूं, जैसे मान लिया कि यहां का पोटेंशियल जीरो है, तो यहां जीरो है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां से यहां तक जीरो रहेगा, इसके आगे जाने पर घटेगा बाई अमाउंट आई आर वन, फिर यहां से यहां सेम रहेगा, इसके आगे जाएंगे तो फिर घटेगा आई आर टू, फिर यहां से यहां तक सेम रहेगा, इसके आगे जाएंगे तो फिर घटेगा आई आर थ्री, फिर यहां से यहां तक सेम रहेगा, इसके आगे जाने पर बढ़ेगा बाई अमाउंट ई, बड़े का मतलब कि ऐड करेंगे ई, और उसके बाद यहां का पोटेंशियल आ गया जो कि जीरो है, है ना। तो यहां से देख सकते हैं कि ई जो है ये आएगा आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एक इक्वेशन ये आ गया। अब जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सर्किट है इसके बदले में मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस रखेंगे और बैटरी वही होगा जो कि इस सर्किट में लगाया गया था, यानी इसका भी ईएमएफ ई, और ये तीनों के बदले में ये रेजिस्टेंस है। तो करंट चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्किट तो वैसा ही रह गया, बैटरी वही, रेजिस्टेंस भी टोटल वही, तो करंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, ये हो गया इक्विवेलेंट, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट में बात करें, इन इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे कि जो ई है यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यानी ये आएगा ई इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्व इक्वेशन वन एंड टू, तो क्या आएगा, ई और ई बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे तो यह आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो जितने भी रजिस्टर्स होंगे सबको हमें ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ऐसे ऐड कर देंगे।